Assalamualaikum my beautiful family, एक और दिन मास्क के साथ, वीकेंड संडे, लेकिन आज के दिन मैं गाड़ी नहीं चला रही क्योंकि जिस वीकेंड पे मास्क साथ होता है वो मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कितने ही दरवाजा खुला हुआ था। नहीं, आप लोगों ने किसी ब्लॉग में देखा ऐसा कि मैं गलत गाड़ी चला रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कमेंट करें जी। नहीं, मैं बहुत अच्छी, मैं पिछले दो हफ्ते से खुद ही गाड़ी चला रही हूँ मास। तुम्हें ही सिर्फ प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आज इसका बहाना था कि आज इतनी बारिश हो रही है, तुमने कहीं गाड़ी भी स्लिप हो सकती है। मतलब यार, गाड़ी ये बंदा थोड़ी ना जो स्लिप हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने इस पे ट्रस्ट किया। और अभी ये जो है ना, वो जा रहा था कहीं अपने दोस्तों के पास। मैंने इसको कहा कि मुझे तुम उतारो सैलून, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। क्योंकि आज संडे, मैं सोचा कि थोड़ा स्किन केयर मी टाइम कर ले, आखिर कर लिया जाए। तो हम उतरते हैं सैलून और फिर आपसे मिलते हैं। डेस्टिनेशन है वो आ गई है, लेकिन पता कर लूँ कि मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई, तो वॉक इन अपॉइंटमेंट्स हैं कि नहीं है, लेट्स सी। A few inches later. मैं आ गई हूँ, मेरा मैनीपेडी शुरू हुआ है एंड फेशियल होगा उसके बाद। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, एंड आई एम टेकिंग द थैल्गो फेशियल, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं इनके। रिव्यूज़ दूँगी फिर मैं आपको, लेकिन इनका एम्बियंस इज सो नाइस। फेशियल वेशियल कराने हमारी होगी मैनीपेडी, एंड इट्स टर्न आउट सो गुड। नयाब एंड अरीज हैव डन एन अमेजिंग जॉब। तो अभी हम कराते हैं फेशियल, तो रेडी शेडी हो गया सारा, एंड आई एम डूइंग अ थैल्गो फेशियल। सो यस, 2 hours later I've experienced the Sonia Signature Salon, और जो मेरा मैनीपेडी है वो किया है अरीज ने एंड नयाब, and they have done an amazing job, thank you so much. और मेरा फेशियल किया है मिस फरजाना ने, and they have done a great great job. So this is a very nice place, with very nice ambience. So मैं recommend करूँगी सबको, staff is very nice, so thank you so much. बहुत बहुत अच्छी services थी। तो जी finally we are done with the salon thing. अम्मा सब हमें लेने आए हैं, Assalamualaikum. चलो अब चले। ऐसा लग रहा है सामने, माँ के सामने यहाँ पे जो ये चीज, ऐसा नहीं लग रहा पहाड़ है? बिल्कुल नहीं, गजब बेइज्जती है। लग रहा है यार आसमान इतना खूबसूरत है, लेकिन वो आसमान नहीं लग रहा, वो मुझे पहाड़ लग रहे हैं। तो अभी तुम मुझे कहाँ लेके जाओगे? कुछ एक्साइटिंग करा दो संडे। रोटियां लेंगे हम। रोटियां? yes. कितना बोरिंग काम है। दूध लेंगे, मतलब हम ग्रोसरी करने निकले हैं। उसके बाद मैंने अभी जिम करा तो तुम लेग पीस खिलाओगे? अच्छा, सही हो गया, तुम मुझे खिला दो भाई, क्योंकि दूसरे को खिला देंगे। सही है, बेस्टो वाले के पास ना जाना। इफ यू नो यू नो, यू नो भैया। आप अगर वीडियो देखें कमेंट करें। क्या बात है माज, आपने तो दिन ही बना दिया मेरा आज मजेदार किस्म का, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ मैंने। और तो माज ने सोचा हम बाहर ही डिनर कर लें, लेकिन अगर तो पता चल गया ना फातिमा या अच्छा आप तो जिम फ्रीक हो ना, मेरे लिए आपने बिरयानी मंगवा ली है, मैं एक चिकन खाऊंगी, मेरी चिकन है, आपकी बिरयानी है। जी जी, चलो मिल के खा लेते हैं, लड़ाई माफ करो। चलो हम लोग खाते हैं आराम से, फिर अब तो कुछ भी नहीं है करने के लिए, हम घर ही जाने हैं। और इस बात से मिल रहे क्योंकि मैं इस बात को बहुत मिस कर रही हूँ, सो बस जल्दी से खा के फिर हम घर जाते हैं। जी मेरे दादी, मेरी मामा, सबको ठीक रखना, सेहत देना, अल्लाह ताला जी। आमीन तो करा लूं। आमीन। अल्लाह ताला जी मुझे जल्दी जल्दी मेरे दादी पास ले जाए। आमीन। अल्लाह ताला जी मेरे दादा दादी नाना नानी सबको सेहत देना। आमीन। अल्लाह
उठ गई है, हम इश्मा के साथ ढेर सारा खेलेंगे, इश्मा के साथ हम पोएम्स देखेंगे, खाना शाना खिलाएंगे और इधर हम अपना व्लॉग करते हैं एंड। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।